अगर आप भी जो है इंस्टाग्राम ऐप के अंदर एक नया अकाउंट जो है बनाना चाहते हो तो गाइज़ ये आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर गाइज़ आपने जो है प्ले स्टोर के अंदर से इंस्टाग्राम अकाउंट जो है डाउनलोड किया है और उसके अंदर जो है गाइज़ अगर आप नया अकाउंट अगर बनाना चाहते हो तो गाइज़ ये आप किस तरीके से कर सकते हो, आज की इस वीडियो में गाइज़ हम आपको यही बताने वाले हैं। तो गाइज़ चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जो है इंस्टाग्राम ऐप के जो है ऊपर जो है गाइज़ कुछ इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। इंस्टाग्राम ऐप के ऊपर जो है गाइज़ हम अगर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। तो गाइज़ अगर जो है इंस्टाग्राम ऐप के अंदर अगर आपको नया अकाउंट बनाना होगा तो इसके लिए गाइज़ आपको जो है नीचे के साइड में क्रिएट न्यू अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसी ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने जब इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन होगा यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको जो भी अपना नाम होगा वो नाम आपको जो है गाइज़ यहाँ पर सिंपली फिल कर लेना है। तो गाइज़ हम जो अपना नाम यहाँ पर फिल कर लिए हैं और उसके बाद गाइज़ आपको जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। तो गाइज़ आपको जो है यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है पासवर्ड यहाँ पर जो है लिखना है। तो गाइज़ हम जो है अपने पासवर्ड जो है इस तरीके से यहाँ पर फिल कर लेते हैं। गाइज़ इंस्टाग्राम का पासवर्ड फिल कर लेने के बाद आपको जो है गाइज़ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। तो गाइज़ अगर जो है आप अपना जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो अगर सेव करके रखना चाहते हो तो आप सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो नॉट नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो गाइज़ मैं जो है इसको सेव करके रखना चाहता हूँ इसलिए मैं सेव वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेता हूँ। अब जो है आपके सामने इस तरीके से डेस्कटॉप ओपन होगा तो गाइज़ अब जो है यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपको अपना जो है गाइज़ डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो गाइज़ हम जो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद गाइज़ जब अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से गाइज़ पूरा सिंपली जो है सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको जो है सेट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइज़ आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट का, तो आपको जो है उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेने के बाद गाइज़ अब जो है यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम जो है फिल कर लेना होगा। तो गाइज़ अब जो है यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम जो है गाइज़ आपको फिल कर लेना है। इस तरीके से गाइज़ यूज़र नेम फिल कर लेने के बाद अब अगर वो यूज़र नेम अगर गाइज़ इंस्टाग्राम के अंदर अवेलेबल होगा तब तो ठीक है, अगर गाइज अवेलेबल नहीं होगा तो आपको जो है नीचे साइड में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इन्हीं ऑप्शंस में से गाइज आपको जो है एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। तो गाइज हम जो है कोई एक सेलेक्ट जो है यूज़र नेम जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है गाइज यूज़र नेम हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन देखेगा, हम जो है गाइज नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेने के बाद अब जो है गाइज आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा फ़ोन नंबर होगा वो जो है गाइज आपको डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और गाइज़ अगर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ अगर नहीं शो हो रहा है तो गाइज़ आपको जो है अपना मोबाइल नंबर जो है इस ऑप्शन के अंदर गाइज़ फिल कर लेना है। तो आपको जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। गाइज़ अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो है अपनी ईमेल आईडी से भी जो है लॉगिन कर सकते हो, उसका ऑप्शन आपको नीचे के साइड में देखने को मिल जाएगा। और गाइज़ अब जो है आपके सामने जब इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा तो अब गाइज़ यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको जो है गाइज़ जो नंबर आपने अभी अभी फिल किया है उसी नंबर पे गाइज़ आपको जो है एक ओटीपी जाएगी, और गाइज़ वही ओटीपी आपको जो है इस जो है बॉक्स में जो है फिल कर लेनी है। गाइज़ उस जो है कि ओटीपी को फिल कर लेने के बाद आपको जो है नीचे के साइड में एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, आपको उसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है गाइज़ क्लिक कर लेना है। तो अब जो है गाइज़ आपके सामने जब इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन होगा तो आपको जो है गाइज़ आई एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। आई एग्री के ऑप्शन के ऊपर जो है इस तरीके से क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक बफरिंग आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये प्रोसेसिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक थोड़ा जो है आपको यहाँ पे इंतजार करना होगा। गाइज अब यहाँ पर जो है आपको जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा उसके अंदर जो भी प्रोफाइल पिक्चर होगी गाइज वो आपको यहाँ पर जो है सेट करनी होगी। गाइज अगर आप जो है प्रोफाइल पिक्चर अभी सेट नहीं करना चाहते हो तो आपको जो है नीचे साइड में स्किप का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको जो है स्किप भी कर सकते हो। गाइज आपको जो है ऐड पिक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और गैलरी के अंदर जा करके गाइज आप जो है यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है सेलेक्ट कर सकते हो। गाइज मैं जो है अभी प्रोफाइल पिक्चर जो है सेलेक्ट नहीं करना चाहता इसलिए मैं स्किप वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेता हूं और आगे की तरफ जो है गाइज बढ़ता हूं। उसके बाद गाइज जब हम इतना कर लेंगे तो इतना करने के बाद गाइज तो गाइज अब यहां पर जो है आपसे ये बोल रहा है कि जो फेसबुक के आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आप जो है यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो फेसबुक के जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो फेसबुक के फ्रेंड्स जो है गाइज आपको आपके इस इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर भी गाइज वो देखने को मिलेंगे। तो गाइज मैं उन लोगों को देखना नहीं चाहता इसलिए मैं स्किप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद गाइज मैं जो है वापस से स्किप वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज अब जो है यहां पर आपसे ये बोल रहा है कि जो आपके मोबाइल के अंदर जो फ़ोन नंबर होंगे वो फ़ोन नंबर जिन लोगों का आपने जो है सेव करके रखा है वो इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे अगर जो है गाइज आप इस SYNC वाले ऑप्शन के अंदर जो है अगर क्लिक करोगे।
जी हाँ गाइज, अगर आप SYNC वाले इस ऑप्शन के अंदर क्लिक करोगे तो जिन लोगों के नंबर्स आपने जो है सेव करके रखे होंगे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, उन लोगों के अकाउंट जो है आपको अपने जो है इस अकाउंट के अंदर, जो अकाउंट आप बना रहे हो उस अकाउंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैं उन लोगों को भी देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं जो है गाइज वापस स्कीप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप अगर देखना चाहते हो तो आप SYNC वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद गाइज अब हमारे सामने जब इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा तो हम जो है यहाँ पर हमें कुछ 5-6 लोगों को जो है गाइज यहाँ पर जो है फॉलो करना होगा। कुछ 5-6 लोगों को जो है गाइज हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। कुछ लोगों को फॉलो करने के बाद ऊपर साइड में आपको जो है एरो का मार्क दिखेगा, उसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर लेना है। एरो के मार्क के ऊपर जो है इस तरीके से गाइज क्लिक कर लेने के बाद अब जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट होगा गाइज वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। और गाइज आप भी जो है इंस्टाग्राम ऐप के अंदर कुछ इसी तरीके से एक नया अकाउंट जो है आप इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।